हेलो स्टूडेंट बेटा, आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 6 जेब खर्च चीनी लोक कथा रीड करेंगे। ओके, जेब खर्च चीनी लोक कथा। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना शुरू किया था। रोज सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो नन्हे मेई को जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। पहली बार जब माँ ने उसे पैसे दिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूंगा। फिर सोचा, नहीं, इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाती हैं, मैं इन्हें बचा कर रखूंगा और खूब पैसे इकट्ठे होने पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। माँ बहुत खुश होंगी, लेकिन इन पैसों को किस जगह जमा करना ठीक होगा। तभी अचानक उसके हाथ से पैसे गिरकर फर्श के एक छेद में जा घुसे। मेई ने छेद में उंगली डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले। छेद बहुत छोटा जो था। मेई के दिमाग में एक बात आई, अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर क्या था, उस दिन से मेई रोज जेब खर्च के पैसे फर्श के नीचे डाल देता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मशीन पर काम करते समय मेई की माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, इसलिए वे कई दिनों से काम पर नहीं जा रही थी। इसी बीच मेई के घर में सुशी नाम का एक आदमी आया और ऊंचे स्वर में उसकी माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? माँ ने कहा। सुशी गुस्से से बोला, पहले भी तुमने यही कहा था, यदि आज तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। ये सारी बातें मेई भी सुन रहा था। वह जल्दी से एक हथौड़ी लाया और फर्श को ठोकने लगा। ऐसा करने से लकड़ी का फर्श खुल गया। मेई ने उसमें हाथ डालकर खूब सारे पैसे निकाले और मेज पर फैलाते हुए बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ हैरानी से बोली, माँ ये सारे पैसे आपके दिए हुए जेब खर्च के हैं, इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था। अब माँ ने उन पैसों से सुशी का उधार चुका दिया। नन्हे मेई को गले से लगाते हुए माँ बोली, ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, इस लेसन का सारांश है, इस कहानी में मेई नाम का एक लड़का है। मेई की माँ मेई को रोज जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती है। मेई उन पैसों को फिजूल खर्च न करके अपनी माँ के कपड़े के लिए इकट्ठा करता है। एक दिन सुशी नाम का एक आदमी आया और मेई की माँ से उधार दिए अपने 25 रुपए मांगता है। सुशी कहता है कि उसने यदि रुपए नहीं लौटाए तो जेल भिजवा देगा। यह सब देखने के बाद मेई ने जमा किए पैसे लाकर माँ को दिए। मेई की माँ ने उन पैसों से सुशी से लिए उधार 25 रुपए चुकाया है। अंत में मेई की माँ भावुक होकर मेई को गले लगाती है। संदेश है, हमें बचत करनी चाहिए न कि फिजूल खर्च। ये लेसन बेटा आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, अब हम करेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, मेई की माँ कहाँ पर काम करने जाती थी? इसका आंसर है कारखाने में। प्रश्न नंबर 2 है, मेई को जेब खर्च के लिए रोज कितने पैसे मिलते थे? 5 पैसे। प्रश्न नंबर 3 है, मेई की माँ ने सुशी से कितने रुपए उधार लिए थे? 25 रुपए। प्रश्न नंबर 4 है,
हमें बचत करनी चाहिए या फिजूल खर्च? इसका आंसर है बचत। बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, मेई ने जेब खर्च के पैसों को खर्च क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, मेई ने जेब खर्च के पैसों को खर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि वह पैसे इकट्ठे करके अपनी माँ के लिए कपड़े लाना चाहता था। प्रश्न नंबर 2 है, मेई की माँ कई दिनों से काम पर क्यों नहीं जा रही थी? इसका उत्तर है, मेई की माँ कई दिनों से काम पर इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसके हाथ में गहरी चोट लग गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, मेई ने किस तरह अपनी माँ की मदद की? इसका उत्तर है, मेई ने अपने जेब खर्च जमा करके अपनी माँ के उधार को चुकाकर उनकी मदद की। ये है बेटा आपके दीर्घ प्रश्नोत्तर, ये आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक्स।